हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग 11 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनबीए लीग में जो आज का मुकाबला होने वाला है एमआईए वर्सेस पीएचआई के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समो लीग और कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के हर प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल लीग पिक के बारे में। तो स्मॉल लीग में एमआईए के बारे में बात करें, सबसे पहले एमआईए की तरफ से बैम अबैडी आपके पास बेस्ट पिक है जे सेंटर के रूम में होने वाले। जिमी बटलर को आप अपनी टीम में जे पावर फॉरवर्ड के रूम में, ये दोनों प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाला है। तो इनको आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर लेकर चले, आपके लिए स्मॉल लीग के लिए टॉप पिक प्लेयर है दोस्तों, बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो इनको आप अपनी स्मॉल लीग टीम में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होना। पीएचआई के बारे में बात करें, जोएल एम्बिड को अपनी टीम में स्मॉल लीग में और जेम्स हार्डन को अपनी टीम में आपके लिए स्मॉल लीग में बेस्ट पिक होने वाले। तो पीएचआई की तरफ से दोनों प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाले। जोएल एम्बिड ने आज अभी तक इन्होंने 2391 पॉइंट करके, जेम्स हार्डन ने 2321 यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, हर मैच में 20 से 50 के बीच पॉइंट कवर करते, तो आपके लिए बेस्ट पिक स्मॉल लीग में देखने मिल जाएंगे। तो इनमें आपको स्मॉल लीग में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होना है। साथ ही साथ इनको आप अपनी टीम में कैप्टन है वो इस कैप्टन रूम में लेकर चले तो अभी आपके लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक के बारे में। तो डवेन डेमन को अपनी टीम में और मैक्स स्टर्स को अपनी टीम में एमआईए की तरफ से बेस्ट पिक आपके लिए ग्रैंड लीग में होने वाले हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ आप ग्रैंड लीग में लेकर चलेगा, इनको आप स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा रिस्की प्लेयर है। रिस्की प्लेयर को हम सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में मौका दे सकते हैं, स्मॉल लीग में इनको आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। पीएचआई के बारे में बात करें, फुरकान कामकाज को अपनी टीम में और डेआंड्रे जॉर्डन को अपनी टीम में ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर है लेकिन रिस्की प्लेयर है, सिर्फ और सिर्फ इनको आप अपने ग्रैंड लीग में लेकर चले तो ये आपके लिए फायदा होने वाला है। स्मॉल लीग में क्यों नहीं लेकर चलना चाहते, क्योंकि रिस्की प्लेयर है, कॉन्टेस्ट कम होते हैं, स्मॉल लीग में कम कॉन्टेस्ट होने के कारण हमको टॉप से टॉप प्लेयर लेकर चलने पड़ते हैं। इसलिए हम ग्रैंड रिस्की प्लेयर को स्मॉल लीग में बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते। तो की प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं की प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले एमआई के बारे में, कैली लोवरी के बारे में बात करें, इनको आप अपनी टीम में पॉइंट गार्ड रूम में, टेलर हैरो को एज ए शूटिंग गार्ड रूम में, जिमी बटलर को एज ए स्मॉल फोर्ड रूम में, पीजी टक्कर को आप अपनी टीम में पावर फोर्ड रूम में और बैम अडेब्बे को अपनी टीम में सेंटरों में लेकर चले तो एमआई की तरफ से टॉप पिक प्लेयर दोस्तों, तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर लेकर चल सकते हैं। पीएचआई के बारे में बात करें, टाइसी मैक्सी को अपनी टीम पॉइंट गार्ड के रूम में, जेम्स हार्डन को अपनी टीम में शूटिंग गार्ड के साथ साथ कैप्टन है वो इस कैप्टन रूम में लेकर चले तो अभी आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। टिम्बले को अपनी टीम में स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में, टॉबियस हैरिस को अपनी टीम में पावर फॉरवर्ड के रूम में, जोएल एम्बिड को अपनी टीम में सेंटर रूम में तो बेस्ट पिक होने वाला। तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में बेस्ट पिक होने वाले तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर मौका दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों। तो बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में विजय नायन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजय को डाउनलोड करें। विजय को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि तो कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आप विजय पर कमा सकते हैं। एंट्री फीस भी कम, कंपटीशन भी कम और विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा उसी कम एंट्री फीस में। बाकी आपसे कंपेरिजन करके देखें तो सबसे कम एंट्री फीस में और उसी कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको विजय पर देने मिलेगा। हर गेम की आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन विजय पर देने मिलेगी। तो आप अपनी बेस्ट से बेस्ट ड्रीम टीम सिर्फ और सिर्फ विजय पर तैयार कर सकते हैं, डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर और हमारा रेफर कोड यूज करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले एमआई के बारे में बात करें, कैले लोवरी ने एज पॉइंट गार्ड रूम में 1195 पॉइंट करके, टाइली हैरो ने एज शूटिंग गार्ड रूम में 1241 पॉइंट करे, मैक्स टर्स ने एज शूटिंग गार्ड रूम में 790 पॉइंट करके, जिमी बटलर ने एज स्मॉल फोर्ड रूम में 1336 पॉइंट करके और रॉबिनसन ने एज स्मॉल फोर्ड रूम में 809 के लगभग पॉइंट करके एमआई की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आए प्लेयर आपको देने मिल जाएंगे। तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं पीएचआई के बारे में। तो पीएचआई में सबसे पहले मैक्सी आपको पॉइंट गार्ड के रूम में देने मिल जाएगा 1635 पॉइंट करके, जेम्स हार्डन ने एज शूटिंग गार्ड के रूम में 2321 पॉइंट करके, जेमी डैनी ग्रीन ने एज शूटिंग गार्ड के रूम में 608 पॉइंट करके, टिबले ने एज स्मॉल फोर्ड के रूम में 752 पॉइंट करके, फुरकान कोमकाज ने एज स्मॉल फोर्ड के रूम में 673 पॉइंट करके। तो पीएचआई की तरफ से आपको हर मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस में देखने मिल जाएगा, हर मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले। तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनमें से प्लेयर जरूर लेकर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ट ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में। तो दो एमआई में से तीन प्लेयर और
PHI में से चार प्लेयर आपके लिए बेस्ट पिक है जो कैप्टन वो इस कैप्टन रूम में देखने मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं MI के बारे में, तो सबसे पहले टाइले हैरो के रूम में आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड के साथ साथ ग्रैंड लीग में कैप्टन रूम में मौका दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जेमी बटलर के बारे में, तो एज स्मॉल फोर्ड के रूम में 1336 पॉइंट करके 20 के लगभग क्रेडिट है। समोह लीग में कैप्टन रूम में बेस्ट पिक होने वाले, तो आप अपनी टीम में मौका दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं बैम अडेबियो के बारे में, तो आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर के साथ साथ ग्रैंड लीग में कैप्टन रूम में बेस्ट पिक होने वाला है। अब हम बात करते हैं PHI के बारे में, तो टर्सी मैक्सी ने एज ए पॉइंट गार्ड रूम में 1635 पॉइंट करके 15 के लगभग क्रेडिट लिया। PHI की तरफ से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक कैप्टन रूम में होने वाले। जेम्स हार्डन के बारे में बात करें, जो शूटिंग गार्ड रूम में 2321 पॉइंट करके 21 के लगभग क्रेडिट लेवल है। स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में बेस्ट पिक आपके पास कैप्टन रूम में देने मिल जाएगा। टोबियास हैरिस को आप अपनी टीम में पावर फोर्ड के साथ साथ 15-16 के लगभग क्रेडिट लेवल और कैप्टन रूम में बेस्ट पिक होने वाला, ग्रैंड लीग में मौका दे सकते हैं। जोएल एम्बिड के पास आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर के साथ साथ कैप्टन वो इस कैप्टन रूम में मौका दे सकते हैं। तो चाहे आप स्मॉल लीग टीम बनाए चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाए, इन्हीं 7 प्लेयर में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चलेगा। इनके अलावा आपके पास और कोई अच्छा खासा ऑप्शन नहीं होने वाला। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके स्क्वाड की तरफ जरूर नजर मार लें। अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक है, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में यह प्लेयर खेलने वाले। बाकी हम आपको लाइनअप आने बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट गार्ड के बारे में। तो विंसेंट को आप अपनी पहली ड्रीम टीम में ग्रैंड लीग टीम में इनको एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में मौका दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है, सेलेक्टिव परसेंट कम है क्योंकि सेलेक्टिव परसेंट भी बहुत अच्छा है 800 के लगभग। इन्होंने इस लीग में पॉइंट करके हर मैच में लगभग 25 से ऊपर पॉइंट कर करते हैं, तो आप अपनी पहली ग्रैंड लीग टीम में इनको एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में जरूर लेकर चलिए, आपके लिए बेस्ट पिक होने वाले। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, जेम्स हार्डन को अपनी टीम में PHI की तरफ से, एमस्टर्स को अपनी टीम में MI की तरफ से और डी ग्रीन को अपनी टीम में PHI की तरफ से, ये तीनों प्लेयर आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड के रूम में देने मिल जाएंगे। स्मॉल फोर्ड के बारे में बात करें, जोस बटलर को अपनी टीम में MI की तरफ से एज ए स्मॉल फोर्ड के रूम में बेस्ट पिक होने वाला। पावर फोर्ड के बारे में बात करें, टक्कर को अपनी टीम में एज ए पावर फोर्ड MI की तरफ से 866 के लगभग पॉइंट कर, तो आप अपनी ड्रीम टीम में एज ए पॉइंट पावर फोर्ड के रूम में मौका दे सकते। सेंटर के बारे में बात करें, बैम अडेबियो को अपनी टीम में MI की तरफ से और रीड को आप अपनी पहली ड्रीम टीम में ग्रैंड लीग में मौका दे सकते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर रूम में आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको देने मिल जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, जेम्स हार्डन को अपनी टीम में एज ए कैप्टन रूम में और बटलर को एज ए वाइस कैप्टन रूम में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं हो रहा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और आपने अभी तक VGNI डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आप VGNI पर कमा सकते हैं। सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको VGNI पर देने मिलेगा, तो अभी डाउनलोड करें। हर गेम की आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर अभी डाउनलोड करें और हमारा रेफर कोड यूज करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है।